नमस्कार रितम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप है और भारतीय राजनयिक को कनाडा से वापस भेजने के बाद अब भारत ने भी कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने दिल्ली स्थित कनाडाई दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि उसने भारत कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके तलब करके उन्हें इस बात की जानकारी दी है। भारत ने कनाडाई राजनयिक को 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। नए संसद भवन में पहले दिन की कार्रवाई महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। पीएम मोदी के भाषण के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। बिल पेश करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि इस बिल को दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद और कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी, जो कि फिलहाल 82 महिला सांसद हैं। इसके साथ ही इस कानून के बनने के बाद लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए आरोपों का मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को सीधे तौर पर नकारा गया है, जिसमें ट्रूडो ने संसद में निज्जर की हत्या के आरोप भारत के साथ जोड़ा। साथ ही विदेश मंत्री मिलानी जॉली के बयान की भी आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है जहां कानून के नियम के प्रति प्रतिबद्धता है और इस तरह के आरोप कनाडा से इसलिए लगा रहा है क्योंकि वहां की सरकार अलगाववादी आतंकियों और कट्टरपंथियों से जुड़े मामले में कुछ नहीं कर पाई है। इसके अलावा बयान में कहा गया कि कनाडा के कई राजनीतिक चेहरे ऐसे तत्वों खुले तौर पर सहानुभूति जताते हैं, जो कि चिंता की बात है। आज गणेश चतुर्थी है। पूरे देश में भगवान गणेश के इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। विघ्नहर्ता विनायक की उपासना से जुड़े यह पावन उत्सव आप सभी के जीवन में सौभाग्य सफलता और संपन्नता को लेकर आए। गणपति बप्पा मोरिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीते एक हफ्ते से चल रही मुठभेड़ के भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अनंतनाग के जंगलों में चल रहे मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों ने लश्करे कमांडर उजैर खान समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। मामले को लेकर ADJP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि लश्कर कमांडर उजैर खान को मार दिया गया है, उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक और आतंकी का शव मिला है, वहीं अभी तलाशी अभियान जारी है। नो हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर छरका विधायक मामन खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामन खान को नू सीजे योगेंद्र सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकील की बहस सुनने के बाद मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार मामन खान के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां मामन के वकील ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट जमानत की याचिका को ठुकराते हुए उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंगलवार को दिल्ली की कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की गहलोत की अर्जी को दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मानहानि का केस चलता रहेगा। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील ने बताया कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी होगी। इस मामले में अगली सुनवाई 26-26 सितम्बर को होगी। अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा कमांडो के पहले बैच कुपवाड़ा में तैनात किया गया है। कोबरा कमांडो के इस बैच ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के जंगलों में प्रशिक्षण पूरा किया और इन्हें जंगल और गुरिल्ला वारफेयर की लड़ाई में महारत हासिल है। ऐसे में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए इन कोबरा कमांडो का अहम योगदान हो सकता है। भारत का पहला सौर मिशन लगातार सफलता पा रहा है। आदित्य L1 ने कक्षा बदलने की 5वीं और आखिरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट कर बताया
कि आदित्य L1 अब सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट की ओर बढ़ गया है। इसरो ने 15 सितंबर को बताया था कि आदित्य L1 प्रक्षेपण के बाद से ही मिशन की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनकर परिक्रमा कर रहा था। इसकी परिक्रमा परिधि 4 बार बढ़ाई गई, वहीं 5वीं बार में मार्ग परिवर्तित, इसे गोपन की तरफ सूर्य की ओर रवाना कर दिया गया। राजस्थान के कोटा में छात्र छात्राओं के सुसाइड के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर एक छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया है। यूपी के मऊ निवासी 17 वर्षीय छात्रा कोटा में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा का नाम प्रियम सिंह था और कोटा में लगभग 1.5 सालों से वह नीट की तैयारी कर रही थी। सोमवार को कोचिंग संस्थान के बाहर शाम को छात्रा उल्टी करती हुई नजर आई तो अन्य छात्रों ने कोचिंग संचालक को सूचना दी। छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। कोटा में इस साल अब तक 25 छात्र छात्राओं आत्महत्या की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6% से अधिक रहेगी। देश बड़े वैश्विक झटकों के दौर में भी आर्थिक स्थिरता और प्रदर्शन को मजबूत रख कायम रहा है। गोयल ने कहा कि वैश्विक मंदी से भारत की निर्यात वृद्धि कम रही है, देश के बीच तनाव से तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके साथ ही खराब मौसम भी ऐसे कुछ जोखिम है जिनका देश सामना कर रहा है। इसके बावजूद भी देश ने आर्थिक स्थिरता कायम रखी है और चालू वित्त वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 सितंबर को शुरू होने जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज की टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ सिलेक्शन कमेटी के हेड अजीत अगरकर ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसके अनुसार शुरुआत के 2 मैचों में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया है। वहीं टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी KL राहुल को मिली है। KL राहुल के अलावा रविंद्र जडेजा, ऋतुराज, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली है। वहीं तीसरे वनडे में रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को फिर से टीम में वापस ले लिया गया है। इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित तेलुगु फिल्म रजाकार का टीजर रिलीज हो गया है। रिलीज के बाद से ही ये टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर जहां एक धड़ा इसे द कश्मीरी फाइल के बाद हिंदुओं पर हुए अन्याय का सच दिखाता एक फिल्म बताया है तो दूसरा धड़ा का ये कहना है कि यह देश के सौहार्द और समाज की समरसता के घातक साबित हो सकती है। 1 मिनट 43 सेकंड के टीजर में ऐसे कई बर्बर सीन जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। इसमें दिखाया गया है कि कैसे निजाम के शासन को कायम रखने के कासिम रिजवी ने हिंदुओं पर अत्याचार किया